हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेंड टॉपर। आज हम बात करने वाले ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी शेयर के बारे में। आज हम इसको डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। अगर हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे, तो टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें तो ग्रीन पावर का चार्ट जो है वो नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, अगर हम आज का मोमेंटम देखें तो 2.33 का यहाँ पे ग्रीन साइड पर ये जाता हुआ दिखेगा। बायर सेलर दोनों ही यहाँ पे जो अवेलेबल है, तो यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट दोनों ही नहीं लगा है। यहाँ पे न्यूट्रल सिचुएशन आज के लिए तो देखने को मिल रही है। ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, उसी वैल्यू पर अभी आ रहा है, तो 8.75 की वैल्यू अभी चल रही है। अगर हम इसे गौर से देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है पिछले दो दिनों से, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लोअर सर्किट था, लोअर सर्किट को ये अभी रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, सपोर्ट टारगेट यहाँ पे क्या बनेगा या नहीं बनेगा। तो उससे पहले हम फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे ताकि पता चल जाए कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएगी या नहीं। तो 6 की इसकी बुक वैल्यू है, 8 की इसकी करंट प्राइस है, तो बुक वैल्यू के पास है, तो एक पॉजिटिव बात हमें देखने को मिलेगी। स्टॉक पी जो है वो 90 का है, तो बहुत महंगा स्टॉक पी है। इंडेक्स स्टॉक पी 36 है, तो 36 और 90 में बहुत डिफरेंस है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आरओसी की बात करें, 7.39 का इनका आरओसी है, आरओई जो है वो 1.54 का है। तो आरओसी आरओई यहाँ पे दोनों ही हमें अच्छे है, मतलब आरओसी जो है वो अच्छा है 7.39, आरओई जो है वो एवरेज में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कर्जा है कंपनी पे 1290 करोड़ का, 2.49 का डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो कर्जा भी है कंपनी पे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो कर्जा है थोड़ा सा, इसी के साथ आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है, लेकिन स्टॉक पी जो है वो हमें बता रहे कि इसका जो प्राइस है वो महंगी वैल्यूएशन पे 660 का, इसका 660 करोड़ का इसका जो है वो मार्केट कैप है। तो छोटी सी कंपनी है। इससे ज़्यादा अगर हम बात करें इनके जो है जियोग्राफिकल स्प्लिट की, तो इंडिया में 93% जो है इनका स्टेक जो इंडिया से आता है, और अदर जो 7% है अदर कंट्रीज से आता है। अगर हम बात करें इनके जो प्रोस की, प्रोस में एक भी पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा स्क्रीनर के हिसाब से, यहाँ पे एक भी अच्छा पॉइंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कौन सारे भरे पड़े, जैसे कि लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हुई है 30% से, और अदर भी प्रमोटर्स होल्डिंग 34% है, अदर भी यहाँ पे डेबर हायर डेट डेबर डेज सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम प्रॉफिट देखें तो 34 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है, तो यहाँ पे भी और एक नेगेटिव बात देखने को मिलेगी कि कंपनी का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो बुरा है। उससे पहले 6 था 62 1, तो अच्छे का प्रॉफिट देखने को मिले थे, लेकिन 34 जो यहाँ पे लॉस किया है, तो ये कंपनी के लिए बुरी सिचुएशन देखने को मिलेगी। सेल्स भी डाउन गई है, 38 की सेल्स कंपनी ने बनाई है, पिछली बार 83 थी, तो 83-38 में डिफरेंस जो आ चुका है, दो नंबर्स का ही डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे जो चेंज हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत वैल्यूएबल चेंज आ चुका है। मार्च की बात करें तो 35 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हमें 2022 में देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा है पिछली बार से कंपेयर करें तो। पिछली बार 58 करोड़ का लॉस किया था, 111 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, 21% से सेल्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। सालाना में हम अभी बात कर रहे हैं, मतलब 257 थी, तो अभी जो 311 हो चुकी है, तो उस हिसाब से जो है वो सेल्स इंक्रीज़ हो चुकी है। स्टॉक प्राइस ये जो 258% से इंक्रीज़ हुआ है, रिटर्न इक्विटी 2% से इंक्रीज़ हुआ है। तो लास्ट ईयर के रेशो जो है वो अच्छे हैं, लेकिन उससे पास की बात करें तो सेल्स जो है वो 1% डाउन, 4% डाउन, 2% अप, तो यहाँ पे इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर में सिचुएशन जो है वो कंपनी की बदलती हुई दिखी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पहले माइनस में हुआ करता था, अभी जो पहली बार प्लस में जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर में कंपनी ने ग्रो किया है, ये हमें इससे पता चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें एसेट्स को, तो 1800 के एसेट्स के पहले कभी इनके 2000-3000 के एसेट चल रहे थे, एसेट्स थोड़े कम हो चुके हैं। 4 का कैश फ्लो है इनके पास माइनस में, प्रमोटर्स के पास 34% शेयर्स है, 0.49% DFIs के पास है, 4% शेयर्स है VDIs के पास है, पब्लिक के पास 60% शेयर्स है, तो सबके पास शेयर्स है। लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ी वाली बात यह है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग 48 से 34 तक लेके आ चुके थे। तो कोर्स में हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, तो वो एक बुरी बात हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ पब्लिक के पास जो वो स्टेक सबसे ज़्यादा है, तो और एक इसका पैनिक मोमेंटम जब भी आता है तो शेयर के प्राइस पे बहुत तेज़ी से इसका इफेक्ट आता है। इसी के साथ प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग बेची, तो उसका भी इस पे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आ सकता है। इसी के साथ आ चुका है, आ सकता है क्या, आ चुका है हमने अगर देखे तो इसकी प्राइस कभी चल रही थी 28 रुपीज़, अभी चल रही 8 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ डाउन आ चुका है, तो और कितना इसे गिरना है तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसे शेयर्स में, पेनी शेयर्स में क्या होता है, पहले यह 3 रुपीज़ तक रैंक करता था, 3 रुपीज़ पर ट्रेड करता था, 3 रुपीज़ से इसने 28 रुपीज़ तक का सफर जो बहुत देर से तय किया था, मतलब 5% रोज इसमें अपर सर्किट लगता चला गया, वहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया उसकी वजह से जो फिर से 8 रुपीज़ तक ये शेयर जो है वो आ चुका है। अभी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट अभी तक इसने लिया नहीं है, सपोर्ट लेने का फुल यहाँ पे हमें चांस अभी तक नहीं दिखाई, लेकिन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि लॉस लोगों का रुक चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे जो न्यूट्रल सिचुएशन अवेलेबल है। अगर हम देखें तो मोमेंटम अभी भी न्यूट्रल ही 38 का है,
12 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, ये भी न्यूट्रल है, 47 का मिडिल रैंक हमें देखने को मिलेगा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मिडिल सिचुएशन अभी हमें देखने को मिल रही है तो थोड़ी सी यहाँ पे जो सावधानी बरतनी है। अगर 74% लोग बाय की तरफ, 13% सेल की तरफ, होल्ड की तरफ, 12% लोगों का मूड बाय की तरफ है, फंडामेंटल्स भी न्यूट्रल की तरफ ही जा रहे हैं, इसके अंदर टेक्निकल भी न्यूट्रल है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा बड़ी कोई मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी तब जब इसमें जो है बाइंग प्रेशर आएगा। अभी तो यहाँ पे जो वो इक्वल है, मतलब बायर्स और सेलर्स जो वो इक्वल ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना प्राइस ऊपर जा रहे हैं ना नीचे, एक ही वैल्यू पे पिछले 2 दिनों से ये शेयर चल रहा है, जो कि एक अभी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, मतलब लोअर सर्किट को रोकने की यहाँ पे जो कोशिश हो रही है। अगर रुकता है तो हमारे लिए पॉजिटिव साइड पे भी जाते हुए दिख सकता है। अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 11 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिलेगा, जो कि परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंटेज का होगा, तो 31% का हमें टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अच्छी बात है, मतलब टारगेट भी अच्छा है। नीचे की तरफ बात करें तो इसका जो सपोर्ट था हमें अगर टेक्निकली हिसाब से देखें तो 9.1 का था, अभी जो चल रहा है वो 8.8 का है, लेकिन ये शेयर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो इसने जो अपना सपोर्ट तो ब्रेक कर दिया। नीचे की तरफ सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लगभग 4 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन उससे पहले शॉर्ट सपोर्ट इसको लेना पड़ेगा। अभी जो इस वैल्यू से सपोर्ट लेता है तो ये हमारे लिए अच्छी तरह से अगर ब्रेक कर दे तो थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे भी आ सकती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। थैंक यू।